और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। शाम को धौलपुर के नए एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने आज ही पद ग्रहण करते ही एसपी ने अपराधियों को चेतावनी दी है कि या तो धौलपुर छोड़ दें या फिर अपराध छोड़ दें, नहीं तो आपके साथ जो होगा उसके लिए आप तैयार रहें। बिल्कुल आपको बता दें, धौलपुर के नए एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने आज ही पदभार ग्रहण करते हुए और मीडिया से बात करते हुए अपराधियों को एक चेतावनी दी है कि या तो आप धौलपुर छोड़ दें या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें। अब किसी भी तरह का अपराध जिले में सहन नहीं होगा और हर अपराध पर पुलिस का रहेगा सख्त अंकुश रहेगा। किसी भी तरह का अपराध अगर जिले में होता है तो एसपी खुद मॉनिटरिंग करेंगे और जनता से जुड़कर धौलपुर जिले को एक अपराध मुक्त जिला बनाने की पूरी तैयारी में दिखाई दिए हैं धौलपुर के नए एसपी। करने की पहले कोशिश होगी, किया था कल शाम को, तो प्राथमिकताएं तो आप लोग के माध्यम से, जनता के माध्यम से पता चलेंगी मुझे। एक बार समझूंगा थोड़ा धौलपुर को। बाकी जितना मोटा मोटा सुना है कि कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम बजरी और कुछ क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ हैं, तो जो मोटा मोटा अभी तक मैंने सुना है उस पर कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। जो भी लीगल गतिविधियां हैं जो चल रही हैं उनको कंट्रोल करने के प्रयास करेंगे और कोशिश ये करूँगा कि मीडिया के माध्यम से आमजन से शुरू में इंटरेक्शन होगा। तो प्रॉब्लम्स आप बताओगे तो उस हिसाब से मैं प्रायोरिटाइज़ करूँगा। अभी एक बार समझने की कोशिश करूँगा शुरू में, तो जैसे जैसे पता चलेगी कि क्या प्रॉब्लम्स आमजन को परेशान कर रही हैं या सिस्टम को, लॉ एंड ऑर्डर को परेशान कर रही हैं, कानून व्यवस्था को परेशान कर रही हैं, रूल ऑफ लॉ को अफेक्ट कर रही हैं, उन प्रॉब्लम पे ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उनको कंट्रोल किया जाए जिससे कि एक सस्टेनेबल चेंजेस आए। जो और जो राजस्थान पुलिस का मोटो है, मेरा मेन मोटो तो वही है, आमजन में विश्वास कायम करने की पहले कोशिश होगी और साथ के साथ अपराधियों में भय बना रहे जिससे कि लोगों को सुरक्षित और सेफ धौलपुर मिले और लोग फ्री होके सेफ फीलिंग के साथ धौलपुर में डेवलपमेंट और अपने बेसिक जो फंडामेंटल्स उनके काम है उसको बिना डरे, बिना भयभीत हुए और प्रॉपर रूल ऑफ लॉ के साथ फॉलो कर पाएँ।